हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारे लर्नर की स्टोरी। सो आइए समझते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे फ्री लेसन पे भी पढ़ाती हूँ, मेरी वेबसाइट भी है navclasses.in, उस पर भी मैं फ्री कंटेंट अपलोड कर रही हूँ और मैं यूट्यूब पे भी आपके साथ मॉक टेस्ट वगैरह डेफिनेटली डेली लेती रहूंगी, ठीक है। सो इसको फॉलो करते रहिए। और फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन में मैं पेपर वन और पेपर टू दोनों कंप्लीट करा रही हूँ। पेपर टू मैं कॉमर्स का कराती हूँ, उसकी भी चिंता मुक्त हो सकते हैं, पूरा मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। सो उसको सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। unacademy.com/plus पे जाके भी आप एंटी नेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि आप ही के फ्रेंड ने किस तरीके से प्रिपेयर। गुड इवनिंग डियर नवदीप मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू डियर ऑल फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम शुभम जैन फ्रॉम दिल्ली and I have qualified JRF in this attempt and I am also a CA final student. So मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ। सो इससे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ JRF का रहा है। सो मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था गाइज। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 मार्क्स से नेट रह गया था, मतलब 0.5% के अराउंड। सो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था लिटरली। उसके बाद मैंने साथ में सीए फाइनल एंड जॉब भी चल रही थी तो उसके साथ साथ मैंने प्रिपेयर किया दोबारा, तो दोबारा दिया तो मेरा गैप बढ़ गया, मतलब 0.5 से 2% अराउंड हो गया। सो मैंने सोचा कि मुझे क्लियर करना है किसी भी तरीके से, तो मैंने फिर दोबारा मेहनत करी एंड फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर किया, ये सोच के कि मेरा कॉमर्स पे अच्छा ग्रिप है, मैं फर्स्ट पेपर अगर प्रिपेयर कर लूंगा तो मेरे ओवरऑल परसेंटेज अच्छी बन जाएगी तो मेरा क्लियर हो जाएगा। बट टू बी सरप्राइज्ड, मेरे 16 मार्क्स अप हुए पेपर वन में, बट उतने ही एग्जैक्टली 16 मार्क्स पेपर टू में डाउन हुए। तो उस टाइम लिटरली ऐसा लगा कि किस्मत कोई खेल खेल रही है, जिंदगी पास नहीं होने देना चाहती। लेकिन मेरे को मन में ये था कि क्लियर करना है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जिंदगी आपकी परीक्षा लेना चाहती है कि जो आप कर रहे हो उसमें आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना आपके अंदर उस चीज के लिए जुनून है कि आप उसको पाने के लिए कितनी शिद्दत से मेहनत करना चाहते हो। तो फिर दोबारा मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ा कि क्लियर करना है और फिर लकीली मुझे अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म मिला जहां पे नवदीप मैम मिली। सो सबसे पहले मैं नवदीप मैम को ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ा, बिकॉज उन्हीं की गाइडेंस, केयर एंड सपोर्ट से ही मैं आज JRF पा पाया हूँ। सो उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ गाइस कि जो JRF आया है उसमें मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी मेहनत है, क्योंकि सिर्फ मेहनत के बेसिस पे ये क्लियर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। जो हमारे फैकल्टी मेंबर जो अनअकैडमी पे है, मैं 2-3 टीचर्स को फॉलो करता था, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। नवदीप मैम बहुत अच्छे से गाइड करती है और जैसे वो हमेशा बोलती है ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, वो उनका नारा है और उसी की वजह से उन्होंने इतना मोटिवेट करा कि लगा कि हाँ हर कोई JRF पा सकता है। तो उन्हीं के मोटिवेशन की वजह से मैंने भी JRF के लिए मेहनत करी। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड उसके बाद मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे 3rd अटेम्प्ट तक मेरा नहीं निकला नेट भी इवन, उसके बाद 4th टाइम इस बार जब मैंने मेहनत करी तो मतलब मैं सीए फाइनल के एग्जाम्स दिए थे 4th जून तक, तो 4 जून से लेकर 26 जून को एग्जाम था, तो ओनली 20 डेज के अराउंड गैप था। तो उसमें मेहनत करी, मैंने सुना बस ये ही कि 20 डेज है आपके पास, इसको आप 40 डेज भी बना सकते हो, इसको आप 60 डेज भी बना सकते हो। तो आपको अगर आप इसमें 6 घंटे पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे या 12 घंटे पढ़ोगे आपके ऊपर है। तो मैंने इन 20 डेज में टू बी ऑनेस्ट गाइज मैंने सच में 10 आवर्स के अराउंड ऑन अ डेली बेसिस पढ़ा है और अनअकैडमी से मुझे बहुत हेल्प मिली है, उसी का कहीं ना कहीं ये रिजल्ट है। और मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स की ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा असर है, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही पॉसिबल है। सो मैं आपको इसके साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स हमेशा अपने साथ रखिए, उनके सबके लिए अच्छा कीजिए तो अच्छा आपके पास वापिस जरूर आएगा। इसके साथ साथ मैं अब आपको स्टडी टिप्स कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टिप ये है कि अनअकैडमी आपके लिए गोल्डन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको इंटरैक्टिव, सब कुछ इंटरैक्टिव मिलता है। जैसे
आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको पीडीएफ्स मिलती है, आपको डिस्कशन फोरम मिलता है, आपको क्वेरी लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो चीज बहुत अच्छी है वहां पे। मैं नवदीप मैम को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जितनी भी क्वेरीज होती थी मैं लाइव क्लास में पूछता था या डिस्कशन फॉर्म में पूछता था, मैम हमेशा सपोर्ट करती थी, हमेशा उन क्वेरीज को अच्छे से रिस्पॉन्ड करती थी। सो कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर किए हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो अनअकैडमी के लिए मैं यही बोल रहा था कि आप उसका बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने जो अपनी स्टडीज प्लान की थी, मेरा मोस्टली परसेंट ऑफ एफर्ट्स मेरा अनअकैडमी से ही है। मैंने एक बुक रेफर की थी अरिहंत, बट उसके लिए उसके अलावा मेरा जो वीडियो लेक्चर्स पे मैंने मेन फोकस किया है, पीडीएफ जो मैम हमेशा देते हैं उन्हें रेफर किया। तो अनअकैडमी पे प्लीज फोकस कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जो ये गैप होता है, इसमें जितना भी टाइम आपके पास है ये सच में आपके हाथ में है दोस्तों कि आप उसको कितना बना सकते हैं। तो आप कुछ टाइम के लिए सिर्फ टेम्पररी बाकी सब चीजों को छोड़कर अपनी स्टडीज और अपने करियर के लिए फोकस करेंगे तो 10-12 घंटे आप अपने लिए निकालेंगे तो वही आपके लिए 4 महीने 10 महीने बन जाएंगे। तो उसमें आप बिल्कुल बाकी सब चीजों को छोड़कर जुनून के साथ इसमें लग जाओगे, JRF निकालना ही है। मेरा पेपर वन में स्कोर 80 मार्क्स रहा, तो उसके लिए भी मैं क्रेडिट नवदीप मैम को ही देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत हर तरीके से हमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। हमेशा एक चीज इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम अगर JRF क्लियर करना है तो उसके लिए दोनों पेपर का आपको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर वन बहुत स्कोरिंग है। तो पेपर वन से ही स्कोर अगर आप कर पाए तभी आपको ओवरऑल परसेंटेज ऐसा बनेगा कि आप JRF के कट ऑफ को पा सकेंगे। और पेपर टू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा गाइस कि पेपर वन को भी फोकस इक्वली दें, पेपर टू को भी फोकस इक्वली दें। वहां पे से आपको स्कोर लेकर आना है और ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है, उसमें 200 मार्क्स का, तो इसलिए ये इस तरीके से हमारा अटेंशन मांगता है। तो दोनों पेपर का आप कोऑर्डिनेशन बना के चले। इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ये डिमोटिवेट ना हो सोच के कि कोई यूनिट हमारी कम अच्छी है कोई ज्यादा अच्छी है। किसी भी स्टूडेंट की सारी यूनिट्स परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्स ही इतना वाइड है कॉमर्स का। सो हमारी 70-80% यूनिट्स बेस्ट होनी चाहिए, तो उन बेस्ट यूनिट्स पे मेन फोकस करो, जिससे जितने से जितने ज्यादा मार्क्स उससे एक्वायर कर सको। एंड उसके साथ साथ जो रिमेनिंग यूनिट्स है उन्हें छोड़ना नहीं है, उनसे जितने मार्क्स आपसे बन पाते हैं टीचर की हेल्प से, सेल्फ स्टडी से, बुक्स से, या किसी भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, उसमें से गैदर करने की कोशिश करो। एंड जो डेटा वाली चीजें होती है, जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आपको नंबर्स याद रखने हैं, कुछ नाम याद रखने हैं, उनके लिए हमेशा शॉर्ट नोट जरूर बना के रखो, जो आप एंड टाइम में अपनी आंखों के सामने से निकाल सके, जिससे आप एग्जाम में रिकॉल जरूर कर सके। ठीक है गाइस, मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि 3 स्टेप्स में आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि पहला होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैम के द्वारा मिल जाती है कि वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देती है। दूसरा होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा से ज्यादा आपको सम सॉल्व करने हैं DIN RC के या फिर कॉमर्स 2 में भी जो फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है। एंड गाइस जो ये है आपके कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मानता था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा वीक है। सो उसके लिए आती है नंबर 3 टिप, जो है एग्जाम लाइक क्विज, मतलब कि मॉक टेस्ट, जो अनअकैडमी और नवदीप मैम बहुत अच्छे से बना के हमें देते हैं, जिससे हम अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। सो आप मॉक टेस्ट एंड क्विजेस जितने भी आपके पास अनअकैडमी पे आते हैं, चाहे आपके मन में ये आता हो कि अभी मैंने कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो भी आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने से क्वेश्चंस का पता लगता है कि किस टाइप के आते हैं एंड आपको करना आता है कि एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। और इन क्विजेस एंड मॉक टेस्ट के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप ऐसे मॉक टेस्ट जरूर देना एग्जाम से पहले, कम से कम 3 या 4, जो आपके एकदम एग्जाम जैसे हो, मतलब आपको घर पे या लाइब्रेरी में ऐसे बैठ के अपने आप को प्रिपेयर करने की 1 घंटा मेरा एग्जाम है, 1 घंटा मैं पेपर 1 का मॉक टेस्ट एग्जाम लाइक सिचुएशन में दे रहा हूं। ऐसे ही पेपर 2 के लिए 2 आवर्स आप अपने एग्जाम लाइक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आएगा, और जो प्रेशर पड़ता है 2 आवर्स के काउंटर का और 1 आवर के काउंटडाउन का, उसको आपको पता चलेगा कि उसमें आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, और एग्जाम में आप जो मिस्टेक्स करने वाले थे वो आपको पहले ही पता लग जाएगी, तो एग्जाम में वो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जिससे आपका JRF बहुत पास आ जाएगा। JRF से याद आया दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे 4 अटेम्प्ट्स है, उससे मैं आपको ये बताना चाहता था कि
जिन लोगों का नेट हुआ है उनका इस बार JRF होगा, और जिनका नेट नहीं हुआ है अभी तक, आप उससे मेरी स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि अगर आपका नेट नहीं हुआ तो भगवान कहीं ना कहीं आपको JRF के पास लाना चाहते हैं। तो अगर आपका नेट नहीं हुआ तो इस बार आपका JRF पक्का होगा। आपको किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी लूज नहीं करनी है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमारी मैम हमेशा हमें पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन देती रहती है। एंड एक मैं अपनी तरफ से पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा जो मैं फील करता हूं, वो हो सकता है कि हर कोई फील ना करे। मैं ये बिलीव करता हूं कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो माइंड गेम का बहुत है, तो उसके लिए हमें एग्जाम से दो दिन पहले जरूर आपको स्लीप का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी दो दिन पहले नींद जरूर पूरी हो। मतलब मेरे ख्याल से आपको 7 घंटे के अराउंड 2 दिन जरूर सोना चाहिए, जिससे कि आपका एग्जाम वाले दिन जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन आपको ये ना हो कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस बिगड़ेगा, और ऐसे एग्जाम में जहां पे नए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते ही हैं और इतना प्रेशर पड़ता है, तो वहां पे आपका माइंड फोकस माइंड वर्क बहुत अच्छे से करना चाहिए और माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। इवन रिलैक्स रहने के लिए मैं एग्जाम से एक दिन पहले हेड मसाज भी करवा के आया था। सो गाइस, आप इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी स्लीप पूरी हो और आप एग्जाम में उस अपनी हेल्थ के साथ जाएं जहां पे आपका माइंड रिलैक्स हो। उससे क्या होगा कि आप नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो प्रेशर होगा उसे झेल पाएंगे, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो आपको JRF के नजदीक लेकर जाएगा। एंड में मैं सबसे पहले लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपके ही एफर्ट्स एंड गाइडेंस से ये पॉसिबल हो पाया है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये पॉसिबल हो पाया है, थैंक यू सो मच। एंड जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट या लो फील करता था, ये लाइंस मेरे मन में आती थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अपने आप आती थी कि हमारी सबकी जो आप सबकी जिंदगी में अभी कठिनाई के बादल चल रहे हैं उसके ऊपर ये 2 लाइंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे, तू बढ़ता जा तेरी राहों पे, जो पर्वत हैं छट जाएंगे, आएगा फिर वक्त सुनहरा, साथी पथ पर बढ़ता चल। सो रियली फ्रेंड्स, आपका वो सुनहरा पल आने वाला है, आपका इस अटेम्प्ट में JRF क्लियर होने वाला है। ये बिलीव अपने ऊपर रखिए, इस पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़िए, मैम के गाइडेंस में पढ़िए, और आपका इस बार JRF निश्चित तौर पे आएगा। इसके साथ साथ आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है सभी के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, JRF आपका आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच मैम अगेन। लास्ट में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा एक कोट कह के, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आपको एक पॉजिटिविटी देगा। प्लीज रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।